समस्त गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, सोसाइटी, फाउंडेशन व स्वैच्छिक क्षेत्र संस्थाओं से जुड़े विषयों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जिला प्रशासन के मध्य 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को नगर परिषद टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीहा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन की पीड़ा को महसूस करते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र की स्थापना की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके लिए स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र द्वारा समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं का डेटा तैयार कर उनके कार्य एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए संस्थाओं का स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र में पंजीकरण होना आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उड़ान योजना, इंदिरा रसोई योजना सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रही राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मौजूद संगठनों को दी। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र द्वारा आयोजित किए जा रहे संवाद कार्यक्रम के आयोजन के शुरुआती जिलों में भीलवाड़ा जिले को चुनने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मसीहा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संवाद कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जिला प्रशासन एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने संवाद के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि महंगाई राहत कैंप में गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आदि योजनाओं की जानकारी देकर पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने भीलवाड़ा जिले के विभिन्न संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कोविड के दौरान किए गए उल्लेखनीय कार्य और जिले के विकास के लिए किए जा रहे सहयोग के लिए उनकी प्रशंसा की। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के सलाहकार संजय गौड़ ने स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के कार्यों की विस्तृत रूपरेखा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे एनजीओ को हर संभव सहयोग प्रदान करना है। साथ ही उन एनजीओ के माध्यम से अन्य एनजीओ को आमजन के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है, जिसके तहत स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र द्वारा वेब पोर्टल आरम्भ किया गया है, जिसमें सभी एनजीओ को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात पंजीकृत एनजीओ से कार्य के आधार पर उनका अक्रेडिटेशन किया जाएगा तथा ग्रेडिंग निर्धारित की जाएगी। सहाड़ा विधायक गायत्री देवी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद तथा पंक्ति के अंत में मौजूद लोगों तक लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान सहायक निर्देशक सत्यपाल जांगिड़ ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने चिकित्सा विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। विभिन्न योजनाओं पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन कर ऑडियो वीडियो माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रथम दिन के विभिन्न सत्रों में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की विशेष योग्य जन गरिमामय पहचान की ओर एक कदम, चिकित्सा विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सबका अधिकार, जनजाति विकास व चुनौतियों व नागरिक सुरक्षा, नागरिक मित्र इत्यादि संबंधित विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं का प्रस्तुतिकरण, योजनाओं के क्रियान्वयन में चुनौतियों पर पारस्परिक परिचर्चा व संवाद किया गया। संवाद कार्यक्रम के दौरान स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के मनोनीत सदस्य सत्यनारायण मंगरोरा, पंकज दादीज, सीईओ हरीश चंद्र शर्मा, विशेष सलाहकार संजय गौड़, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, अनिल डांगी सीईओ, डॉक्टर शिल्पा सिंह, एडीएम प्रशासन डॉक्टर राजेश गोयल एवं जिला स्तरीय अधिकारी तथा विभिन्न संगठनों व स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य मौजूद रहे। तो इस लाभ को पाने के लिए जिन लोगों को जरूरत है वो उस महंगाई राहत कैंप तक आए। बहुत ही सिंप्लीफाई, बहुत ही मेहनत करके ये एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना जन आधार कार्ड और जो मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, एक मिनिमम डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल के तहत कम से कम दस्तावेजों की मांग की जाएगी, आप जन आधार कार्ड लेकर के आए और अन्य सेवाएं जैसे कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान भाई हैं, उनको बढ़ी हुई राहत के रूप में 2000 यूनिट्स प्रति परिवार, जो घरेलू कनेक्शन है उस पर 100 यूनिट्स बिजली फ्री दी जाएगी। उसके लिए आपको केवल अपना बिल, बिल की कॉपी या के नंबर लेकर के आना है। के नंबर एक यूनिक आईडी होता है बिल में, जिससे आपका मीटर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस बार राज्य सरकार का उद्देश्य है कि मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ, सबसे कम दस्तावेज के साथ, अक्सर लोगों की शिकायतें होती हैं और जब मैं आप लोगों से बात करता हूं आप लोग भी कहते हैं कि यह प्रक्रिया कई बार इतनी जटिल होती है कि लोगों तक इसको पहुंचाना बहुत
कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत मुश्किल होता है कि ये बजट में कोई कमी नहीं है, उनको कोई कमी नजर ही नहीं आ पाई, इतना उन्होंने दिया। सिर्फ क्या कहते थे कि इसका पैसा कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा, इसको पूरा कैसे करें। लेकिन आपने देखा कि चारों बजट, तीन बजट को हो चुके, चौथा बजट अभी दिया है, और जो भी घोषणाएं उन्होंने की बजट के अंदर, उन सारी घोषणाओं को उन्होंने पूरा किया। कोई मुश्किल से 1-2% योजनाएं जो है वही अभी पेंडिंग है, लेकिन वो भी पाइपलाइन में है। हमारा कार्यकाल पूरे होते होते सारी योजनाएं जो उन्होंने घोषणा की है बजट के अंदर, जो उन्होंने बजट के अंदर कहा है, वो सब पूरा किया जाए।